बागेश्वर धाम लौटे हैं बाबा बागेश्वर। पांच दिन के अज्ञातवास के बाद बागेश्वर धाम लौटे हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। राजगढ़ जिले में अब कथा करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। अज्ञातवास से लौटने पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान है, हमने जीवन में एक सूत्र सीखा है, जब तालियां बजती हैं तो गालियां भी मिलती हैं, गालियों पर ध्यान ना दें। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अज्ञातवास में गए थे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अच्छा है, पांच दिन का जो अज्ञातवास है उसके बाद जो ज्ञानार्जन हुआ होगा उसका लाभ भी भक्तों को मिलेगा, लेकिन एक और बड़ी बात कह गए धीरेंद्र शास्त्री की, भाई तालियां भी मिलेंगी गालियां भी मिलेंगी लेकिन गालियों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए बिल्कुल, अगर देश के आध्यात्म की बात करूं तो आदिकाल से ये परंपराएं रही हैं कि जो भी साधु संत हुआ करते थे वो एकांतवास में कुछ समय के लिए जाते थे, और उस एकांतवास में जाने का उद्देश्य ये होता है कि चिंतन और मंथन, इसलिए कि समाज में किस तरीके से और बेहतरी से काम किया जाए। और शायद उसी सबके चलते जो है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी पांच दिन के एकांतवास पर गए हैं, और जब एकांतवास से लौटे हैं तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है। इस बात को कहने के पीछे उनके कई कारण हैं कि जिस तरीके से चाहे महाराष्ट्र का घटनाक्रम हो या फिर बिहार का जो घटनाक्रम था उस सब को लेकर वो कह रहे हैं कि जब जनता आपके सपोर्ट में खड़ी होती है, जब आपकी फैन फॉलोइंग होती है, लोग आप पर आस्था रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन गालियों पर ध्यान नहीं देना है, तालियों पर ध्यान देना, यानी आध्यात्म की जो मूल परंपरा है कि अपने धर्म को अपने सनातनी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है, भले ही कुछ लोग उस पर व्यवधान पैदा करें लेकिन उन सब का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि सनातन का झंडा किस तरीके से बुलंद रहे उसके लिए आगे बढ़ना है। तो वो कहीं ना कहीं अपने जो भक्त हैं उनको भी ये सीख दे रहे हैं कि भले ही कुछ लोग हमारे खिलाफ खड़े होते लेकिन आप घबराएं नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अज्ञातवास के बाद एक बार फिर से अपने मिशन में जुटेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, अमेरिका में पीएम मोदी की तारीफ।